हरिओम, मैं रूपाली वीरा राजगुरे रामबा केंद्र इंदौर से हूँ और आप सभी के साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। 2013 की बात है, तब मेरी प्रेगनेंसी का पहला दौर चल रहा था। बहुत खुशी थी मन में कि एक नया मेहमान आने वाला है घर में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दिनों बहुत बुरे सपने आते थे। वो सपने भी ऐसे कि मैं बहुत डर जाती थी, उस वजह से मेरे मन में बहुत नकारात्मकता, बहुत आशंका भरी रहती थी। हालांकि मैं उपासना जाती थी रेगुलर, फिर भी पता नहीं क्यों जितनी देर उपासना में बैठती थी बापूराय के सामने, उतनी देर ये सब चीज़ें बहुत दूर रहती थी। लेकिन घर जाने के बाद फिर दिन में वही, रात में फिर, मतलब जब तक मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों इतने मेरे मन में नकारात्मक विचार आते थे, बहुत अजीब सा डर फैला हुआ था। फिर मैं मेरे डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने मेरा चेकअप के बाद मुझे बताया कि हम देखेंगे 5.5 महीने में कलर 3D सोनोग्राफी कर लेंगे बच्चे की, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम बच्चे को रखेंगे, और अगर कुछ डिफेक्ट दिखाई देता है तो उस बच्चे को निकाल देंगे। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, और एक मेडिसिन उन्होंने मुझे रेयर दी जो बहुत ही रेयर केस में दी जाती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो ही लेनी होती है। मैं घर आई और मुझे बहुत, अब तो मेरे मन में और भी ज़्यादा निगेटिविटी आने लगी, नकारात्मक विचार आने लगे, पूरी तरह से डरी हुई थी मैं। मैंने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, अब मैं डॉक्टर बदल दूँगी, ऐसे डॉक्टर के पास जाऊँगी जो मुझे और मोटिवेट करे, मतलब मुझे ये जो डर व्याप्त हो गया है मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। मेरी दीदी से मेरी बात हुई जो मुंबई में रहती है, बापू भक्ति है, प्रणीता वीरा राजगुरे। उन्होंने मुझे बताया कि तुझे डॉक्टर की बात की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, तो फिक्र मत कर, सिर्फ राम रक्षा स्तोत्र का पठन कर और बापू राय पर विश्वास रख। मैंने कहा बापू राय पर विश्वास तो है ही। उस दिन दीदी की बातों से मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ, थोड़ा अच्छा लगा, फिर भी पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें इसी तरीके से चलती रही। 4-4.5 महीने होते होते अचानक एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आगे हो सकता है तुम्हारी जान बचाने के लिए बच्चा निकालना पड़े, यहाँ तक मुझे कहा था। अब तो मैं बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी, लेकिन मैंने उस दिन बापू राय की उदी ली, बापू राय से प्रार्थना की, और उस दिन से ये एक नियम बना लिया कि मुझे रोज़ उदी को पानी में घोलकर लेना है, और मेडिसिन जो मैं लेती हूँ वो तो मैं रेगुलर ले ही रही थी। उस दिन से एक अलग मुझे अपने आप में बदलाव देखने को मिला, धीरे धीरे नकारात्मक विचार, आशंकाएं, निगेटिविटी सब कम होने लगा। अब मन पहले से थोड़ा शांत रहने लगा। जब 3D सोनोग्राफी की गई, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, मैंने पहली बार अपने बच्चे की हलचल तब महसूस की जब हमारी उपासना केंद्र पर बापू राय की सीढ़ी लगी हुई थी और बापू उसमें त्रिविक्रम जल बनाने का प्रोसेस बता रहे थे। इधर बापू कहते जय गंगे भागीरथी, जय गंगे भागीरथी, और मुझे मोमेंट महसूस हुई। बस धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होने लगा, मन शांत रहने लगा, प्रसन्न रहने लगा। आखिरी समय आते आते तक बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। मुझे बापू राय पे बिल्कुल पूरा विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक करेंगे, मेरे लिए जो है उचित वही वो मुझे देंगे निश्चित। इतना मुझे है विदित, हे राघव नहीं तकरार। मेरी डिलीवरी सिजेरियन हुई, लेकिन बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है, और अब हम लोग बिल्कुल हैप्पी फैमिली हैं। अब वो 5 साल का मेरा बेटा हो चुका है। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ समृद्ध।